दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो पूरी देखने से ही आपको फुल जानकारी मिलेगी। इस दवाई को कैसे लेना है, इसके फायदे और साइड इफेक्ट, क्योंकि मैंने ये दवाई यूज़ की है, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया और आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को नो स्किप करके ही देखिए। दोस्तों, जैसा कि ये समस्या आम हो चुकी है कि हर लड़की और हर लड़का इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ता। जी हाँ दोस्तों, खासकर लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उनकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका वजन बढ़ता ही नहीं। इस वजह से काफ़ी लड़कियां परेशान होती हैं और वे सोचते हैं कि वे अपना वजन कैसे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। काफ़ी सालों से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, अंग्रेजी दवाइयाँ हो या फिर घरेलू नुस्खे, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जाके मैंने एक दवाई यूज़ की जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के सबके साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग मेरी तरह वेट ना बढ़ने से परेशान हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर आपका डॉक्टर बोलता है तभी आप इस दवाई को खा सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैंने आपको नहीं बताया। इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ पहले डॉक्टर से संपर्क कीजिए, बाद में इस दवाई का सेवन कीजिए। वैसे मैं इतना बता दूं कि मुझे इस दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हर इंसान की बॉडी अलग होती है। तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए, फिर इस दवाई को प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सन इंडिया स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल के बारे में। ये भूख बढ़ाते हैं। ये आपको रेड या फिर पिंक कलर में मिल जाएंगे। ये 500 mg के होते हैं। इनके 15 या फिर 20 कैप्सूल 48 रुपये में मिल जाएंगे। हो सकता है अभी इनका रेट थोड़ा बढ़ गया हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, थोड़ा 19-21 तो चलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसे आप एक बार दिन में लीजिए और एक बार रात को, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें जो दवाई मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी कंपनी, उसकी मात्रा कितनी है, उसका प्राइस कितना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आप लोग अलग अलग शहरों से होंगे। हो सकता है आपको कोई नकली दवाई दे दे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नकली दवाइयाँ भी बिकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि मैं जो दवाई दिखा रही हूँ आप लोग उसी कंपनी की दवाई का यूज़ कीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिप्ला स्टिन के बारे में। ये सिप्ला कंपनी की दवाई है। इसकी पैकेजिंग वाइट कलर की है। इसके अंदर गोली भी वाइट कलर में मिलेगी। ये 4 mg की गोली है। इसका प्राइस 33 रुपये कुछ पैसे है। हो सकता है थोड़ा प्राइस आगे पीछे हो गया हो, लेकिन इतने में ही मुझे मिली थी। इस गोली को भी सुबह और शाम एक एक गोली खानी है। तो दोस्तों, आप इसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ये भूख बढ़ाने के लिए ही होती है, और जब भूख बढ़ेगी तभी तो वेट बढ़ेगा। तो इसे आप खा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तब आप इस दवाई का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दवाई खाने से नींद की झपकी आ सकती है, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नींद भी आ सकती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए और ड्राइविंग करते हुए इस दवाई का सेवन मत कीजिए। अगर आप लोग कोई प्रेग्नेंट महिला हैं, या फिर बच्चे को दूध पिलाती हैं, या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे हार्ट अटैक की, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी या फिर कोई और बीमारी, तब भी आप इन दवाइयों का सेवन मत कीजिए।
और इसके बावजूद यदि आप शराब पीते हैं तब भी आप इन दवाइयों का सेवन मत कीजिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि इन सब स्थितियों में आपको इन दवाइयों का सेवन नहीं करना। अब बात करते हैं तीसरी दवाई की, जो है डेक्सोना। जायोडेक अलिडा कंपनी की ये दवाई है, 0.5 mg की मात्रा है और ये आपको 10 गोली सिर्फ 2 रुपये में मिलेगी। ये बहुत ही सस्ती दवाई है। इसकी पैकेजिंग वाइट कलर में है, इसके अंदर गोली भी वाइट कलर की है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए इनकी कंपनी कौन सी है, मात्रा कितनी है और प्राइस क्या है। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। डेक्सोना का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को जल्दी बॉडी बनानी होती है वे लोग डेक्सोना को प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों, जाने से पहले कुछ बातें बोलना चाहती हूँ जिनको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ही सोचिए कि आपको ये दवाई लेनी है या नहीं लेनी। प्लीज़ ये बातें ज़रूर सुनना। अब सुनिए ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, जो कैप्सूल थे स्वस्थ वर्धक के, उनका कोई नुकसान नहीं है। सिप्लास्टिन का भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो डेक्सोना है उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप लोग इस दवाई को खाओगे तब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कब्ज, गैस, जी मिचलाना, सिर दर्द या और कोई छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मत घबराइए, कुछ दिनों में आप नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो प्लीज़ मत घबराइए। इन दवाइयों का प्रयोग करने से आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखाई देगा। 5 या 10 दिन में ही आपको इसका असर दिखाई देगा। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। भूख लगने पे आपको घर का खाना खाना है, हरी सब्जियाँ और सादा खाना। आपको बाहर का खाना नहीं खाना, जंक फूड वगैरह से दूर रहें, वरना आपको नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अब जाने से पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए, वरना आप लोग मुझे बोलोगे अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक बार ये दवाई लेने से पहले अपना वेट चेक कीजिए और फिर 8 या 10 दिन में ही आपको पता चलेगा कि आपका वेट बढ़ गया है। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। फिर आप सोचोगे कि आपको ये दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका वेट उतना बढ़ चुका है जितना आपको चाहिए था। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप लोग इस दवाई को एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। अब मैं बताती हूँ कि इस दवाई को मैंने कैसे छोड़ा था जिससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, वरना आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जब आपको लगेगा कि आपका वेट पूरी तरीके से बढ़ गया है जितना आपको चाहिए था, तब आपको इस दवाई को ऐसे छोड़ना होगा। मान लो अभी आप ये दवाई मेरे कहने पे सुबह शाम एक एक गोली ले रहे हैं। इन तीनों दवाइयों को एक एक गोली लेते रहिए सुबह शाम, और छोड़ने के टाइम आपको ये दवाई एक टाइम लेनी होगी। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलिए, फिर आपको एक दिन छोड़ के दवाई लेनी होगी, फिर आपको कुछ दिन ऐसे चलना है, फिर आपको 2-4 दिन छोड़ के ये दवाई लेनी है। ऐसे करके आपको ये दवाई छोड़नी है। अगर आप एकदम से इस दवाई को छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपके लीवर पे नुकसान हो सकता है और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो प्लीज़ जैसा मैंने बोला है वैसा कीजिए, ताकि आपको भी मेरी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों, आप लोगों के कहने पे मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।